हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 3.2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं 3.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं 3.2। 3.2 समझने से पहले हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखना होगा, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहले 2 by 2 का मल्टीप्लीकेशन लेता है। यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 9। इतनी बात याद रखना फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें रोज और कॉलम का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर है 2 by 2 और यहाँ पर भी है 2 by 2। और अब इसको क्या करना है, पहले वाले की रो और सेकंड वाले की कॉलम कंबाइन करना है, तो कुछ ऐसा हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, 2 by 2 मैट्रिक्स। पता चल रहा है ना फ्रेंड्स आपको? और अब ऐसे जाना है, एक बार ऐसे जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 into 1, 2, 3 into 5, 15। इतना हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, अब ये 2 और 3 ऐसे जाएगा और ये 3 और 9 ऐसे जाएगा। तो 2 3 6, 3 9 27, ठीक है फ्रेंड्स। अब वैसे ही ये 5 और 7, उसके बाद 1 5 और उसके बाद 3 9। तो 5 1 5 और 7 5 15, 7 5 35, और ये 5 3 15, 7 9 63, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ये 17 33 37 और ये हो जाएगा 78। ये 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। बस हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इतना याद रखना है, अगर यहाँ पर 1 क्रॉस 3 है और यहाँ पर 3 क्रॉस 1 है, तो हमें ऐसा लेना है, ये फर्स्ट और ये वन, तो ये 1 by 1 हो जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। पहले वाले की रो और सेकंड वाले की कॉलम यूज करनी है, तो एस इस वाला मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अब मैं 3 by 3 मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा हूं एक बार। थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर है 1 2 0 0 2 5, 1 2 3, यहाँ पर है 3 1 4 0 5 9, 2 1 3, मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर है 3 क्रॉस 3, यहाँ पर भी है 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है फ्रेंड्स। पहली रो फिर ऐसा, इसके साथ ऐसा, तो 1 3 3, 2 0 0, 0 2 0,
फिर ये दूसरी, फिर वन वन जा वन, फिर वन टू फाइव जा टेन, और जीरो वन जा जीरो, फिर वन फोर जा फोर, टू नाइन जा एटीन, और जीरो थ्री जा जीरो। ये 3x3 मैट्रिक्स। और अब ये वाली रो, 0 3 जा 0, 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, फिर 0 1 जा 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 0 4 जा 0 प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5 3 जा 15। इसके बाद है ये वाली, और ऐसे ये वाली और ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाएगा 1 3 जा 3, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, 1 4 जा 4 प्लस 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब भी हमारा सॉल्व हो गया है। ऐसे बस ऐसा ही करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए, हम 3.2 में 1 2 3 सम्स कर चुके थे, अब हम 4 5 कर रहे हैं। चलिए लिख लीजिए 3 2 1। थ्री पॉइंट टू यहाँ पर है फोर्थ सम, फोर्थ सम हमें ए बी दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 2x2 और 2x2 यहाँ पर है 2 4 3 2, और यहाँ पर है 1 3 -2 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल्स टू ये और इसके साथ ये। ठीक है, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, -8 मतलब -2 है ना, इसलिए। फिर ऐसे ही ये वाला और ये वाला, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। उसके बाद ये वाला और ये वाला, तो 3 1 जा 3, 2 -2 जा -4। उसके बाद ये वाला और ये वाला, तो 3 3 जा 3 और 2 5 जा 10। तो ये 2x2 मैट्रिक्स। इसका आंसर हो गया -6 -1 26 26 और 19। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब तो सॉल्व हो गया, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए, फिफ्थ सम, फिफ्थ सम है बी ए इज इक्वल्स टू 1 3 1 3 -2 और 5। उसके बाद यहाँ पर है 2 4 3 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स 2x2 ही होगा। यस, आपको बराबर पता, आप बराबर सोच रहे हैं, यहाँ पर है 2x2, यहाँ पर भी है 2x2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x2। सबसे पहले ये वाला और यहाँ पर ये वाला, तो 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9। फिर अब ये वाला,
वन फोर जा फोर और थ्री टू जा सिक्स। फिर अब ये वाला, यहां पर ये वाला माइनस टू टू जा माइनस फोर प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस टू फोर जा माइनस माइनस एट प्लस फाइव टू जा टेन इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आ गया, हमारा मैट्रिक्स है इलेवन टेन इलेवन टू, ये टू क्रॉस टू मैट्रिक्स हो गया सम। चलिए अब सेकेंड सम करते हैं, आप लिख लीजिए थ्री टू वन। चलिए इसमें आपको खुद भी बहुत सारे सम करने होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही टाइप के सम्स हैं यहाँ पर। चलिए मैं करवा रहा हूँ सेकंड सम में पार्ट्स। फर्स्ट सम है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, तो यहाँ पर है टू क्रॉस टू, यहाँ पर भी है टू क्रॉस टू और यहाँ पर भी है टू क्रॉस टू। ए प्लस ए टू ए, बी प्लस बी टू बी, माइनस बी प्लस बी तो जीरो, और ए प्लस ए तो हो जाएगा टू ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है हमारा आंसर। चलिए सेकंड सम करते हैं, अब लिख लीजिए थ्री टू वन। सेकेंड सम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस टू ए सी, यहाँ पर है टू बी सी और यहाँ पर माइनस टू ए बी। यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो इसका आंसर है, पर इसका एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर तो हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस ये आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं करवा रहा हूँ थर्ड सम, फोर्थ सम आपको खुद करना होगा फ्रेंड्स। चलिए आप लिख लीजिए थ्री टू वन। थर्ड सम
ये 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पर है -1, 4, -6, 8, 5, 16, 2, 8, 5 और 12, 7, 6, 8, 0, 5, 3, 2, 4, ये हमारे पास है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हो जाएगा यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स, -1 + 12 = 11, 4 + 7 = 11, -6 + 6 = 0, यहाँ पर 8 + 8 = 16, 5 + 0 = 5, 16 + 5 = 21, 2 + 3 = 5, यहाँ पर 8 + 2 = 10 और 5 + 4 = 9। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है, ये सब भी सॉल्व हो गया। अब ये फोर्थ सम मैं देखिए सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, फोर्थ सम है cos²x ये sin²x, यहाँ पर sin²x और cos²x प्लस बोला हुआ है sin²x cos²x, यहाँ पर cos²x और sin²x। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्लस होगा ना, तो cos²x प्लस sin²x, तो मतलब इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा, अल्टीमेट आंसर ऐसा कुछ आएगा, बस एडिशन करना है, यहाँ से एडिशन किया और ये आंसर आ गया, बस यही तो सम है। अब लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए अब मैं करा रहा हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट सम, मतलब थर्ड सम में फर्स्ट सब पार्ट। फर्स्ट सम है हमारा ab - ba, a - b, b और a, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ पर भी 2x2 है, यहाँ पर 2x2 है, तो यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बस यही आपका आंसर है, 2x2 मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। चलिए a × a, यहाँ पर ये वाला और यहाँ से ये a × a, एक स्क्वायर प्लस b × b, b² फिर ab और ये वाला, तो हो जाएगा a × -b, तो -ab और b × a, तो प्लस ab, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर -ab प्लस ab, यहाँ पर अब ये वाला अभी और ये वाला, ले -b × a हो जाएगा -ab और प्लस ab, पर -b × -b, तो b² + a² कि माइनस ए बी कट, तो इसका आंसर हो जाएगा a² + b², ये 0, ये 0 और ये a² + b², यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड सम करवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए सेकंड सम, थर्ड का सेकंड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम होगा फ्रेंड्स,
और यहां पर ऐसा दिया हुआ है, ये 1 2 3, यहां पर है 2 3 4, यहां पर क्या दिया हुआ है फ्रेंड देखिए, ये है 3 क्रॉस 1 और ये है 1 क्रॉस 3। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड की कॉलम, तो इसका आंसर है ना 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब ये 1 × 2 2, और ये सबसे पहले ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 × 2, अब 1 3 जा 3, फिर 1 4 जा 4, फिर 2 2 जा 4, अब ऐसा ये वाला, यहाँ पर ये वाला, ये वाला, और ये वाला, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये सम भी सॉल्व हो गया, अब मैं थर्ड सम करवा रहा हूं आपको। चलिए अब लिख लीजिए 3 2 1, थर्ड सम यहीं पर कर लेते हैं फ्रेंड्स। थर्ड सम का था पार्ट 3, 1 माइनस 2 2 3, यहाँ पर है 1 2 3 2 3 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर है 2 क्रॉस 2 और यहाँ पर है 2 क्रॉस 3, फर्स्ट रो सेकंड की कॉलम, तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 2 क्रॉस 3, ये वाला, और अब ये वाला यूज करना है। तो 1 1 जा 1 माइनस 4, फिर 1 2 जा 2 माइनस 6, 1 3 जा 3 माइनस माइनस 2। वैसे यहाँ पर अब ये वाला और ये वाला यूज होगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 6 और 4 प्लस 9 और ये 6 प्लस 3, बस आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स। पर 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, यहाँ पर आंसर है -3 -4 1 8 13 और 9। चलिए ये सब सॉल्व हो गया, और अब फोर्थ सम आप खुद कर लेना फ्रेंड्स। चलिए, और अब मैं सिक्स फोर्थ और फिफ्थ आप खुद खुद कर लेना फ्रेंड्स। अब मैं सिक्स सम करवा रहा हूँ, सिक्स सम। चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1, चलिए यहाँ पर है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 0 2, 2 माइनस 3 1 0, 3 और 1। चलिए यहाँ पर है 2 क्रॉस 3, यहाँ पर है 3 क्रॉस 2, और मैट्रिक्स ये फर्स्ट की रो और सेकंड की कॉलम, तो हमारा मैट्रिक्स 2 बाय 2 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ये वाला 3 2 6 माइनस 1 प्लस 9, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला, तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 3 3 3 माइनस 3 जा माइनस 27, -27
और माइनस वन जीरो जा जीरो और थ्री वन जा थ्री। अब हो जाएगा हमारा, अब ये वाला यूज करेंगे और यहां से ये वाला यूज करेंगे। चलिए माइनस वन टू जा माइनस टू प्लस जीरो प्लस सिक्स और थ्री प्लस जीरो प्लस टू, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, 4 माइनस सिक्स और 5, और ये 2x2 मैट्रिक्स खत्म। बस या ये सम भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब मैं फोर्थ सम करवा रहा हूँ। फोर्थ सम आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए यहाँ पर है ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है बी इज इक्वल्स टू और सी इज इक्वल्स टू, ये फोर्थ सम है। ए इज इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 3, 5, 0, 2 और 1 माइनस 1, 1 3 माइनस 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3 और सी है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1 माइनस 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कंप्यूट करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। ये तो बहुत ही इजी सम लग रहा है फ्रेंड्स, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत इजी सम है, बहुत ही इजी सम है फ्रेंड्स, सच बोलो बहुत ही इजी सम है। मैं आपको एलएचएस दिखा दूंगा, मैं आपको एलएचएस दिखाने वाला हूँ। आरएचएस आपको खुद से प्रूव करना है, आरएचएस आपको खुद से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 माइनस 3, 5, 0, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 प्लस 3 माइनस 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3 माइनस 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1 माइनस 2, 3 आप तो ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 और 1, सॉरी फ्रेंड्स मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए यहाँ पर हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 3, 5, 0, 2, 1 माइनस 1 और 1 और यहाँ पर होगा 3 माइनस 4 तो -1, -1, -1 तो -2, 2 माइनस 2, 0 और यहाँ पर 4 माइनस 0 तो 4, 2 माइनस 3 तो -1, 5 माइनस 2 तो 3 और 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, 0 प्लस 2 तो हो जाएगा 2, 3 माइनस 3 तो हो जाएगा 0। अब इसका आंसर फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ
यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, -3 प्लस 0 तो -3, 5 प्लस 4 9, 0 माइनस 1 तो -1, 2 प्लस 3 तो 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 तो हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1। बस यही आपका आंसर है। अब RHS आप खुद से कर लेना, बस यही आंसर आएगा फ्रेंड्स, यही आंसर आएगा। तो और बता देना LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं करवा रहा हूँ फिफ्थ सम, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब करने वाले हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम तो आपको खुद से करना है फ्रेंड्स, फिफ्थ सम तो बहुत ही इजी है, आप देखेंगे ना तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। अब मैं करवा रहा हूँ सिक्स सम। सिक्स सम है कॉस थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू, यहाँ पर है कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा। बस वेरी बहुत ही इजी सम, बहुत ही इजी सम। यहाँ पर प्लस ये, यहाँ पर कॉस इंटू ये सब में मल्टीप्लाई करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड। इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस करना है आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये कट और ये कट, ये कट और ये कट, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बस यही आपका आंसर है। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ सेवंथ सम। सेवंथ सम भी बहुत ही इजी सम है। चलिए अब लिख लीजिए 3 2 1। चलिए यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल्स टू ऐसा है ना 7025 और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, ये y और ये y कट हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस x तो 2x और यहाँ पर 7025 प्लस 3003 तो x हमारा हो जाएगा 1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स,
सेवन प्लस थ्री टेन, जीरो प्लस जीरो जीरो, टू प्लस जीरो टू, फाइव प्लस थ्री एट। तो हमारा एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा 5 0 1 4। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स को इस इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा, तो हो जाएगा 5 0 1 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 0 0 3। 5 0 1 4 माइनस 3 0 0 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारा वाई का आंसर हो जाएगा 5 माइनस 3 तो 2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 3 1। बस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने थे, तो हमें मिल गए, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप सेकंड सम आप खुद कर लेना। और अब हमें दिया हुआ है एट सम, एट सम मैं करवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए और यहाँ पर है 2x, हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो चलिए बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है, ऊपर वाले से भी इजी सम है, इससे ज्यादा इजी सम हो ही नहीं सकता। ये 3 2 1 4, और यहाँ पर है 1 0 माइनस 3 2, तो 2x हमारा हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2 माइनस ऑफ 3 2 1 4। तो हमारा 2x हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड, तो हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। बस यही तो आपका आंसर है, होगा ये भी सम सॉल्व। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ नाइन्थ सम, 3 आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए नाइन्थ सम तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, तो मैं करवा रहा हूँ टेंथ सम, क्योंकि इसके ज्यादा जैसा है थोड़ा टफ है, इसलिए मैं टेंथ सम करवा रहा हूँ आपको। चलिए टेंथ सम, टेंथ सम में दिया हुआ है 2 x z y t, यहाँ पर है प्लस 3 into 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल्स टू 3 2 3 5 4 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2z, 2y, ये 2t, 2z प्लस 3 माइनस 3 0 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18। यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2z, 2y, 2t, यहाँ पर है 9 15, 12 18 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3
ये है 0 और ये 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2z, 2y, 2t इज इक्वल्स 9 माइनस 3, तो हो जाएगा 6, 15 माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस 3 तो प्लस 3, 15 प्लस 3 18, 12 माइनस 0 12, 18 माइनस 6 12। पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इम्प्लाइज एक्स जेड वाई टी इज इक्वल्स टू 3, 9, 6 और 6, और कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो चलिए अब मैं 11th नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो तो बहुत ही इजी है, आपको देखकर ही पता चल जाएगा। दो इक्वेशन मिलेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगे। चलिए अब मैं 12th सब करवा रहा हूँ आपको, 3, 2, 1। चलिए ट्वेल्थ सम कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि 3xyzw इज इक्वल्स टू x6 माइनस 1 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस y और ये है 3। मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, इसको इस पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये यहाँ पर LHS में ले आऊंगा। सॉरी फ्रेंड्स, LHS में नहीं, इसको सिंप्लीफिकेशन करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर देंगे। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 3y 3z और 3w इज इक्वल्स टू x+4 x+y+6 और -1 + z + w और 2w+3, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये इसके साथ ये 3z और 3w 2w+3। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, 3x इज इक्वल्स टू x+4, 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम करेंगे 3y इज इक्वल्स टू x+y+6, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 2+6, तो y हमारा हो जाएगा 4। अब 3z इज इक्वल्स टू -1 + z + w और यहाँ पर है 3w इज इक्वल्स टू 2w+3, तो w इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 3z -z तो हो जाएगा 2z इज इक्वल्स टू -1 + 3, तो z इज इक्वल्स टू 1। हेलो फ्रेंड्स, ये सम भी सॉल्व हो गया, या लेक्चर का आखिरी सम था। अब हमारा सम 13 to 22 बाकी है, मतलब 9 से 10 सम है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैट्स में जरूर लिखो यार प्लीज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।